हे वेलकम गाइस, कैसे आप सब? वेलकम बैक टू आवर चैनल। सो गाइस, आज हम बताएंगे कैसे आप माइनक्राफ्ट मैन हंट की कंपास ट्रैकर बना सकते हो, यानी कि प्लेयर ट्रैकर बना सकते हो। सो गाइस, जैसे ड्रीम भैया और ड्रीम लोग बनाते हैं, सो लेट्स बिगिन। सो गाइस, जितने भी सारे कमेंट्स है, कमेंट्स में एक साथ स्क्रीनशॉट डाल दूंगा, डाल कर आपको दिखा दूंगा, वो उधर आप ध्यान से देख सकते हो। नहीं तो अभी जैसे मैं बता रहा हूँ सेम वैसे करना, और कमेंट बॉक्स जाकर आपको स्लैश गेम रूल्स एंड कमेंट फीडबैक स्पेस और फॉल्स। सो गाइस, ये सारे फर्स्ट कमेंट लिखने के बाद आपको इनपुट कर देना। सेकंड कमेंट ये कि /game rule स्पेस दबाकर कमेंट ब्लॉक आउटपुट फॉल्स। सबसे पहले ये दो कमेंट आपको इनपुट कर देना है। सो गाइस, इन दोनों कमेंट का आपको इनपुट करने के बाद आपको क्या करना है, आपको हाथ में कमेंट ब्लॉक लेना है। उस कमेंट ब्लॉक लेने के लिए आपको चार्ट बॉक्स में @give@as उसके बाद कमेंट ब्लॉक लिख देना। सो गाइस, जैसे मैं लिखा सेम वही कर लिखा, आपको कमेंट ब्लॉक आ जाएगा। सो गाइस, जैसे आप कमेंट ब्लॉक आ सकते हो, देख सकते हो कमेंट ब्लॉक आ चुका है। उसके बाद आपको ऊपर प्लेस करके पॉइंट करके आपको डालना है। सो गाइस, ध्यान रखेगा अब ऊपर की ओर उसको रहना चाहिए। सो इसके बाद आपको एंटर कमेंट में @execute डालना है, @execute। सो गाइस, देखते ध्यान से कमेंट देखेंगे, एक भी अगर स्पेस भी गलत हुआ तो गलत हो जाएगी आपकी। सो गाइस, आपको डालना है वो तो @ देखे execute स्पेस @a। उसके बाद आपको हाइप जो ब्रैकेट वाला, उसके बाद नेम इज इक्वल टू जो भी आपका बंदा है आपको ट्रैक करना चाहते हो। सो गाइस, फिलहाल के लिए मेरे पास कोई भी बंदा नहीं है, तो कोई भी मेरे दोस्त नहीं है। सो मेरा नाम ही लिखना था कुछ, Harish Gaming 421। उसके बाद मैं ब्रैकेट को क्लोज कर देना है। उसके बाद आपको स्पेस देकर इन्फिनाइट स्पेस 3 बार आपको देना है। सो ध्यान से देखो, उसके बाद स्पेस देकर सेट वॉल स्पॉन लिख देना है आपको, जैसे देख सकते हो गाइस। सो सेट वॉल स्पॉन लिखने के बाद आपको स्पेस इन्फिनाइट लिख देना है 3 बार। जैसे आप लिख दो, उसके बाद आपको क्या करना है, सो ध्यान से देखो सारे कमेंट जैसे मैं डाल रहा हूँ आपको। सो गाइस, आराम से और धीरे धीरे से वीडियो को देखना। देखने के बाद सारे कुछ कमेंट डालने के बाद उसके बाद आपको बैक आने का रिपीट कर देना है। उसके बाद ऑलवेज एक्टिव कर देना है। सो देख सकते साइड में, लेफ्ट साइड में नहीं तो राइट साइड में आपको एक नोटिफिकेशन आ जाएगा। उसके बाद नोटिफिकेशन आने के बाद आपको देख सकते आपको कमेंट ब्लॉक ब्लू होना चाहिए। सो देखते हो कमेंट ब्लॉक ब्लू हो चुका है, तोड़ना था। सो गाइस, जैसे साइड में अरे ये वाला नहीं तोड़ना था। सो सबसे पहले ग्रास में ले लेता हूँ। सो गाइस, फर्स्ट वाला जो कि ये उसको बंद कर देता हूँ। सो गाइस, देखे तो मैं इस तरह दोनों तरफ अपोजिट डायरेक्शन में आपको दोनों गड्ढे करने के बाद आपको कुछ भी ब्लॉक रख दे रहे हैं आपको। सो फिलहाल खेलते हैं मोटर। सो कोऑर्डिनेट्स भी आपको ऑन होना चाहिए, तभी आपको ये वर्क काम करेगी। उसके बाद आपको दोनों कोऑर्डिनेट्स नोट डाउन करने हैं। सबसे पहले जो आपको सेकंड वाला है ना, उसको कोऑर्डिनेट्स आपको नोट डाउन करना है। सबसे पहले ये वाला आपको नोट डाउन करना है, उसके बाद ये वाला नोट डाउन करना है। सबसे पहले ये वाला नोट डाउन कर देता हूँ मैं जल्दी से जल्दी। सो गाइस, मैं बारिश का टाइम कर रहा हूँ तो थोड़ी बहुत आपको बैकग्राउंड नॉइज़ बहुत ज़्यादा आ रही है। उससे सबसे पहले सेकंड वाला नोट डाउन करने के बाद ये भी आपको दोनों नोट डाउन करना है। सो गाइस, दोनों नोट डाउन करने के बाद क्या करना है मैं आपको बताता हूँ। उसके बाद लास्ट वाला जो चीज़ है वही मेन इंपॉर्टेंट। उसके बाद आपको लिखना है, आपको स्लैश देना है। उसके बाद आपको टिकिंग एरिया लिखना है। सो जैसे सेम लिखता हूँ, सेम लिखो टिकिंग एरिया। उसके बाद आपको स्पेस देना है। स्पेस देने के बाद आपको ऐड लिखना है। ऐड लिखने के बाद आपको जो भी कोऑर्डिनेट्स है आपको सेकंड वाला उसके बाद फर्स्ट वाला दोनों डायरेक्ट आपको लिख देना है। सो जैसे मैं लिखता हूँ सेम वही से लिखना। सबसे पहले मैं सेकंड वाला कोऑर्डिनेट नोट डाउन किया हूँ, जो नोटबुक में किया हूँ तो वो लिख लेता हूँ। उसके बाद आपको स्पेस देकर सेकंड वाला भी डायरेक्ट कर देना, कोई भी बीच में कुछ भी नहीं लिखना, आपको स्पेस देकर दे। सो जैसे आप पूरा कोऑर्डिनेट नोट डाउन करते हो, उसके बाद आपको एक कमांड एग्जीक्यूट कर देना है। सो बस हो चुका सारा काम हमारा। सो चलो फिलहाल के मैं आइटम फ्रेम ले लेता हूँ। आइटम फ्रेम में आपको दिखाया देना कि मस्त होगा। मैं आइटम फ्रेम ले लेता हूँ, मैं अरे डॉट क्यों लिखा, चलो आइटम फ्रेम ले लेते हैं। उसके बाद मैं कंपास ले लेता हूँ, चलो कंपास भी ले लो, चलो कंपास भी आ गया। सो बस फिलहाल के देख सो मैं आइटम फ्रेम के प्लेस कर दूंगा, उसके बाद कंपास भी फ्रेम कर दूंगा। सो देख सकते हो ये मेरे को पॉइंट कर रहा है, अभी पॉइंट करना शुरू हो जाएगा। सर सबसे पहले देख सकते हो मैं उसके पास खड़ा हूँ तो पॉइंट नहीं कर रहा। अभी देखो मेरे को पॉइंट करना स्टार्ट हो चुका है, इवन आप ज़्यादा दूर भी चला जाओ। तो वैसे आपको पॉइंट करता अभी मेरे को इसलिए पॉइंट कर रहा है क्योंकि मैं मेरा फ्रेंड कोई भी नहीं है, मैं दिखाने के लिए तो मैं अभी खुद मेरे को मैं ट्राई किया। अगर आपका फ्रेंड होगा तो उसका फ्रेंड का नाम उधर आपको लिख देना है। उसके बाद मैं आर्मर स्टैंड लेता हूँ। सो वैसे आर्मर स्टैंड में आपको दिखाई देता हूँ मस्त आपको कैसे दिखाई देगा। सो वैसे अगर एक मैन हंटर जो होगा, हंटर पकड़ेगा तो कैसा उसको दिखाई देगा मैं आपको दिखाता हूँ। चलो आर्मर स्टैंड को प्लेस करते हैं। उसके बाद कंपास ले लेता हूँ उसको, अरे यार तोड़ दिया मैंने, क्रिएटिव में थोड़ी बहुत दिक्कत आ रही। सो अभी देख सकते हो कंपास मेरे को पॉइंट कर रहा है, अभी आपको दिखाई दे रहा होगा आराम से। सो चलो उसके मैं पीछे भी जाता हूँ, आगे भी जाता हूँ तो मेरे को पॉइंट करना लगता है। सो बस मेरे को लगता है आज का वीडियो बस इतना ही था। मैं ट्राई किया कि 5 मिनट के आपको पूरा एक्सप्लेन कर दूँ जितना के जितना है। सो चलो मिलते हैं तब तक के लिए, बाय बाय। हाँ गाइस, मैं एक भूल गया, स्क्रीन शॉट डालना था ना, लास्ट में डाल दूँगा। इधर लास्ट तक अंत तक देख चुके हैं तो सब्सक्राइब करो यार, आपको चैनल पसंद आई होगी अगर आप लास्ट तक देखा होगा, नहीं तो आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। सब्सक्राइब करो यार, आपको 5 मिनट में पूरा मैन हैंड कैसे करता है सब कुछ बता दिया हूँ मैं, ट्रैकर कैसे बनाते हैं। सब्सक्राइब करो यार।
एक सेकंड है, सबसे कर दो। ओके बाय।